अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया। यजमान बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त के हिसाब से मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक प्रक्रिया संपन्न कराई और रामलला परसों बाद अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी रामलला के सामने दंडवत नजर आए। उन्होंने दंडवत होकर रामलला की स्तुति की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रामलला के इस कार्यक्रम के मौके पर देश भर के गणमान्य अतिथि भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पंडित शामिल थे। मालूम हो कि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का तप किया था। सोमवार को पीएम मोदी हाथों में पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे थे। इसके बाद पीएम ने पूजन में हिस्सा लिया और आराध्य श्री राम को कमल के फूल चढ़ाए। शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपन्न होने के करीब आधे घंटे तक पीएम रामलला के गर्भगृह में रहे और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। आपको बता दें कि रामलला के गर्भगृह में भगवान रामलला के श्यामल रंग की 51 इंच की प्रतिमा को विराजित किया गया है, जो भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान किए, जिसके बाद रामलला गर्भगृह में स्थापित हो गए। 23 जनवरी आप लोग आए हो कि कैसे होंगे, आप लोग तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखेंगे, इसलिए कि आज राम का प्रणाम प्रतिष्ठा हो रहा है। तो आप लोग का कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना लोग राम भगवान को मानते हैं आज का दिन में। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा आज का दिन में है, 22 जनवरी का। तो आप लोग कितना लोग मानते हैं और नहीं मानते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आप लोग का वीडियो कमेंट कीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट मेरे पास करके जरूर बताइएगा कितने लोग आपको लोग मानते हैं राम भगवान के। हो गए 23 जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ सकेंगे। मंगलवार से अयोध्या में बड़ी संख्या